बहुत स्वागत है आपका ओके क्रेडिट में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना, और आज जिस बिजनेस की बात मैं करने वाली हूं वो है बहुत ही रंगीन बिजनेस। रंगीन इसलिए क्योंकि इसमें आप तरह तरह के रंग जो हैं अपने ज़िंदगी में भी भर सकते हैं बिज़नेस के ज़रिए, और हाँ अपने कपड़ों में भी भर सकते हैं। समझ गए किस चीज़ का बिज़नेस? जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ कपड़ों को रंगने का बिज़नेस। रंगरेस भी कहते हैं, जो कपड़े रंगते हैं उनको रंगरेस भी कहते हैं। तो आप भी अगर इस तरह का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप ये बिज़नेस रंगों भरा शुरू कर सकते हैं और चमका सकते हैं अपनी किस्मत का ताला तारा तो चमका सकते हैं अपनी किस्मत का तारा और खोल सकते हैं अपनी किस्मत का ताला। तो चलिए मेरे साथ शुरुआत करते हैं इस बिजनेस के कुछ अहम पहलुओं पर। निवेश के आधार पर बनाएं एक बिजनेस प्लान। हर व्यवसाय की तरह इस व्यवसाय में भी आपको अपना एक बिजनेस प्लान बनाना होगा, जिसमें मुख्यतः आपको अपने निवेश के बारे में और आपकी फैक्ट्री के स्थान के बारे में जानकारी पहले से ही तय कर लेनी होगी। जगह का चुनाव। आप अपनी फैक्ट्री को ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर आपको आसानी से कच्चे माल की उपलब्धि हो तथा साथ ही वहां पर ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर व्यवस्था हो। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा चलाई गई कई स्कीम जैसे कि SEZ और GIFT सिटी इत्यादि के निर्धारित क्षेत्र में आप अपनी फैक्ट्री लगाकर सरकार से टैक्स में रियायतें प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करें निवेश का निर्धारण? यदि आपके पास अच्छा खासा निवेश है तो आप इस व्यवसाय को बहुत बड़े स्तर पर शुरू कर सकते हैं। वर्तमान में कई बड़ी फैक्ट्रीज अपने यहाँ पर मजदूरों को बुलाने के बजाय वो घर पर काम कर रही हैं, महिलाओं को ही कुछ सुविधाएं प्रदान करती हैं, जिससे कि वो महिलाएं घर पर ही फैक्ट्री की डिमांड के अनुसार कपड़ों को रंग कर वापस फैक्ट्री में भेज देती हैं। 15 से 20 लाख रुपए तक के निवेश में आप इस व्यवसाय को आसानी से शुरू कर सकते हैं। सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के दौरान लाई गई कई लोन स्कीम्स आपको आसानी से बिना कोई कोलैटरल के लोन प्रदान करवाने में सहायक होगी। साथ ही समय पर अपनी लोन की राशि को बैंक में जमा करवाने वाले व्यापारियों के लिए सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी लेकर आई है, जिसमें आपको दूसरे व्यक्तियों की तुलना में कम इंटरेस्ट चुकाना पड़े। अर्थात यदि बैंक आपको 7% के ब्याज पर लोन देता है तो इसमें से 2-3% ब्याज की राशि सरकार के द्वारा चुकाई जाएगी। कर्मचारियों का चुनाव। आप अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को चुनते वक्त तो कुछ बातें ध्यान में रखें, जैसे कि इस काम में उनकी दक्षता कितनी होगी, साथ ही वो अपने कार्य को अधिक सीरियस लेते हैं या नहीं। आप ऐसे कर्मचारियों को अपनी फैक्ट्री में चुनने से बचें जो सिर्फ पैसे के लिए आपके यहाँ रुके हों। फैक्ट्री में कर्मचारी की संख्या बढ़ाए बिना घर पर काम कर रही महिलाओं को ही कैसे सौंपे कार्य? वर्तमान में फ्रीलांसिंग का दौर बढ़ रहा है और लोगों को भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जॉब करने में दुविधा होती है। इसी का फायदा उठाकर आप भी अपने कुछ पैसे बचा सकते हैं और अपनी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या को कम कर आप घर पर काम कर रही महिलाओं को ही काम सौंप सकती हैं। इसके लिए आप उनसे सीधे संपर्क बना सकते हैं या फिर किसी फ्रीलांस वेबसाइट की सहायता से आप अधिक से अधिक फ्रीलांसर को अपने यहाँ जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको उन्हें कुछ सुविधा प्रदान करनी होगी, जैसे कि रंग करने के लिए फैब्रिक के अलग अलग प्रकार के रंग, एक छोटी या फिर बड़ी टेबल, साथ ही ब्रश, चौक एवं आपकी फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले दूसरे प्रकार के कच्चे माल। आपको अपने तैयार माल को बेचने के लिए पुरानी और लोकप्रिय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। इसके लिए आपको मार्केटिंग का सहारा लेना होगा। मार्केटिंग को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। वर्तमान में ऑफलाइन मार्केटिंग काफी अधिक महंगी पड़ती है और इसके द्वारा आने वाले रिजल्ट भी इतने सकारात्मक नहीं है, इसलिए आप हमेशा ऑनलाइन मार्केटिंग को ही प्राथमिकता प्रदान करें। ऑनलाइन मार्केटिंग में आप सोशल मीडिया की सहायता से या फिर अपनी वेबसाइट बनाकर नेटवर्किंग कंपनी से जुड़ सकते हैं और उनको कुछ फीस प्रदान कर अपनी मार्केटिंग करवा सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर आना शुरू हो गया तो आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आप आसानी से एक ही प्रकार के डिजाइन किए हुए कपड़ों को कई लोगों को बेच पाएंगे। कैसे करें डिस्ट्रीब्यूटर का चुनाव? आपके यहाँ तैयार माल को लोगों तक पहुँचाने के लिए आपको बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ना होगा, जो कि लोकल रिटेल दुकानों में संपर्क बनाए हुए होगा और वही आपके माल को उन दुकानों तक पहुँचाएगा। आप हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर को चुनते वक्त ध्यान रखें कि उसका स्वभाव शांत और लोगों से बात करने का तरीका बहुत अच्छा हो। इसके अलावा आप ई कॉमर्स कंपनीज को भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपनी फर्म या फिर कंपनी को बिजनेस मॉडल के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाकर अमेजोन एवं फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी से अधिक से अधिक ऑर्डर ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ई कॉमर्स कंपनी आपको पूरे भारत से ऑर्डर दिलवाने में सहायक होती है। लाइसेंस प्राप्त करने की जानकारी एवं अन्य कानूनी जानकारियां। आपको अपना एक GST नंबर लेना होगा, जिसकी सहायता से सरकार को गुड्स एंड सर्विस टैक्स चुकाया जाएगा। इसके अलावा आप जिस क्षेत्र में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं वहां की स्थानीय राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए श्रम कानून और फैक्ट्री स्थापित करने में लिए जाने वाले सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से फॉलो करना होगा, जिससे कि आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्या ना हो।
तो देखा आपने किस तरह से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, कितनी लागत आती है और कितने देर में आपका ये बिजनेस चल सकता है। लेकिन हाँ, ये बिजनेस बिल्कुल बेनिफिट हो सकता है आपके लिए, और अगर आप ये बिजनेस किसी कपड़े की दुकान के आसपास शुरू करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा चलता है। क्योंकि जब कोई भी कपड़ा खरीदता है, मैं अपनी बात ही कर लूँ, जैसे मैं सूट खरीदती हूँ तो मुझे लगता है कि भाई उसी वक्त सब कुछ ले लूँ, तो दुपट्टे के साथ दुपट्टा अगर उस कलर का नहीं है तो रंगा लूँ, तो वहीं पर अगर सब कुछ मिल जाता है तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो विचार कीजिएगा इस बिज़नेस पर, और हाँ, हमेशा की तरह अपना ख्याल रखिएगा और घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बिज़नेस को अच्छे से बढ़ाइएगा, क्योंकि ये टाइम है आपके पास बिज़नेस के बारे में सोचने का। जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो अपने बिज़नेस की अच्छी शुरुआत कीजिएगा, और आप अभी से भी कर सकते हैं, वैसे ऑनलाइन आपको टिप्स हम देते रहते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।